मिर्जापुर सीजन 2 के अंत में गुड्डू भैया को बीना त्रिपाठी की मदद से आखिरकार मिर्जापुर की गद्दी मिल ही गई, वो भी इस शर्त पर कि जब बीना का बेटा बड़ा हो जाएगा तो गुड्डू भैया वह गद्दी उसको सौंप देंगे। लेकिन अभी बदले की आग में झुलसते मिर्जापुर के कई करेक्टर और मिर्जापुर की गद्दी का फैसला अधूरा है, जो कि हमें आने वाले सीजन 3 में देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसडी इंफॉर्मेशन में। आज एक बार फिर हम बात करेंगे आने वाले मिर्जापुर के सीजन 3 के बारे में कि इसकी कहानी किस तरीके से आगे बढ़ सकती है। सीजन 2 में जिस तरीके से मुन्ना भैया का अंत किया गया तो फैंस को बहुत बड़ा झटका लगा कि सीजन 3 में वह अब हमें देखने को नहीं मिलेंगे। मिर्जापुर सीजन 2 की एंडिंग के आधार पर मिर्जापुर सीजन 3 की कहानी और कास्ट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। इस वीडियो में हमने अपने फैंस की कुछ पॉपुलर थ्योरीज और अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लाते रहे। तो नजर डालते हैं कुछ पॉपुलर थ्योरीज पर। क्या आपको लगता है शरद शुक्ला सीजन 3 के मेन विलेन बन सकते हैं? सीजन 2 के अंत में जिस तरह शरद शुक्ला घायल कालीन भैया को लेकर भाग गए, उससे तो कई सवाल उठते हैं कि दर्शकों के मन में यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर कालीन भैया को उसी वक्त शरद शुक्ला ने मारकर अपना बदला क्यों नहीं ले लिया। शायद उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे मिर्जापुर की गद्दी चाहिए और गुड्डू को खत्म करने के लिए उसे कालीन की मदद करनी होगी, क्योंकि उसके बाप को भरे बाजार के बीच में गुड्डू भैया ने ही मारा था। रॉबिन के पास हो सकती है मिर्जापुर की चाबी। सीजन 2 में प्रियांशु पैनुली यानी रॉबिन की एंट्री की गई थी, तो जाहिर सी बात है कि मेकर्स ने सीजन 3 में प्रियांशु पैनुली के किरदार को लेकर कुछ बड़ा ही सोचा होगा। मिर्जापुर वेब सीरीज की तुलना अगर गेम्स ऑफ थ्रोन्स जैसी वेब सीरीज से की जाए तो मिर्जापुर में रॉबिन का किरदार बहुत ही चालाक किस्म का दिखाया गया है। वह बहुत ही रहस्यमयी इंसान है, भले ही लोगों के उसके इरादे अच्छे लग रहे हों, लेकिन वह एक स्मार्ट खिलाड़ी है। अभी उसकी माँ का सस्पेंस भी बरकरार है। क्या रॉबिन गुड्डू पंडित और उसकी बहन डिम्पी को धोखा दे सकता है? दूसरी तरफ डिम्पी और रॉबिन की शादी मिर्जापुर सीजन 3 में होने की पूरी उम्मीद है। जैसा कि हम देख चुके हैं सीजन 2 के अंत के दौरान उनकी सगाई हो चुकी थी। माधुरी यादव का रहेगा दमदार रोल। मुन्ना की मौत के बाद माधुरी अब फिर से एक बार विधवा के रूप में लौट आएगी। दर्शकों को उम्मीद है कि वह अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगी। मिर्जापुर सीजन 3 में इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि मुन्ना की विधवा पत्नी या नए साथी के साथ जिंदगी की शुरुआत करेगी या नहीं। काल्पनिक सीएम माधुरी यादव अपने दिवंगत पिता से कम नहीं थी। उसने ससुर के नाक से नीचे सीएम की कुर्सी खींचकर अपने आप को साबित कर दिया था, लेकिन अब सीजन 3 में चीजें बदल जाएंगी। मिर्जापुर सीजन 3 की कहानी पूरे तरीके से प्रतिशोध पर टिकी होगी, इसलिए माधुरी यादव के सबसे बड़े दुश्मन गुड्डू पंडित और गोलू गुप्ता होंगे, जिनसे वे अपने पति की मौत का बदला लेते हुए नजर आएगी। इसलिए वे कालीन से हाथ भी मिला सकती है, और अगर दूसरी थ्योरी की बात करें तो वह प्रेग्नेंट भी हो सकती है और बीना के अपने बेटे को मिर्जापुर की गद्दी दिलाने के लिए प्लानिंग पर पानी भी फेर सकती है। गोलू सीजन 2 में एकदम खामोश रहने वाली और अपनी बहन का बदला लेने वाली गोलू सीजन 3 में एक दमदार रोल लेकर आ सकती है। मिर्जापुर सीजन 2 में गोलू और गुड्डू के बीच का तनाव हमें कई बार देखने को मिला है। मुन्ना से बदला लेने के लिए दोनों साथ नहीं थे, लेकिन सीजन 3 में अब बात आती है मिर्जापुर की गद्दी की, और गोलू की जिद है कि वह मिर्जापुर की गद्दी को पाकर ही रहेगी। तो क्या हमें गुड्डू पंडित और गोलू में तकरार देखने को मिलेगी? बीना त्रिपाठी, क्या मिर्जापुर सीजन 3 में सामने आएगी बीना के बच्चे की पहचान? क्या बीना त्रिपाठी गुड्डू पंडित को धोखा देकर अपने पति कालीन का साथ देगी? पिछले 2 सीजन में उसने एक बहुत ही चालाक महिला का किरदार निभाया है। अपनी चालाकी के कारण उसने अपने ससुर और बेटे मुन्ना से छुटकारा तो पा ही लिया है, और अभी उसका पति अपने वारिस को ढूंढता हुआ बीना त्रिपाठी के पास आएगा, तो हो सकता है कि बीना कालीन का साथ दे।
मिर्जापुर सीजन 3 का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर कालीन भैया यानी कि अखंडानंद त्रिपाठी। अखंडानंद त्रिपाठी शरद शुक्ला की योजना से बचना चाहते हैं क्योंकि वे बेहद चालाक और चतुर किस्म के इंसान हैं। कालीन भैया ने ऐसे ही नहीं अपराध का पूरा जगीरा और साम्राज्य खड़ा किया है, इसलिए वे इतनी आसानी से इसे किसी को भी देना नहीं चाहेंगे। अब उनके पास खोने को कुछ भी नहीं है क्योंकि वे अपना बेटा मुन्ना को तो खो ही चुके हैं, इसलिए अब वे सीजन 3 में सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनकर मिर्जापुर में वापसी कर सकते हैं। त्यागी फैमिली सीजन 2 में त्यागी फैमिली की एंट्री की गई थी और त्यागी का एक बेटा सीजन 2 में मारा गया। जब एक सीन में दोनों जुड़वा भाइयों ने एक दूसरे को गोली मारी तब दर्शकों को लगा कि भरत त्यागी ने अपने छोटे भाई को मार दिया, लेकिन सस्पेंस अब भी बरकरार है कि कौन सा भाई खत्म हुआ है, बड़ा या छोटा। लेकिन छोटे को पहले भी बड़े भाई की एक्टिंग करते हुए देखा गया है तो इसका सस्पेंस हमें सीजन 3 में ही देखने को मिलेगा। लेकिन अपने बेटे की मौत से बलखलाए हुए दद्दा त्यागी गोलू गुप्ता से बदला जरूर लेंगे। तो दोस्तों मिर्जापुर सीजन 3 को लेकर आपकी क्या थ्योरी रहती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।